बार हर किसी का सवाल यही रहता है कि अगर मैं ये YouTube के सेगमेंट में जाऊं या इसमें ऊपर चैनल बनाऊं तो मैं कितना अर्न कर सकता हूं? सर बी फ्रैंक अगर बोलूं तो YouTube एक सागर है, जितने मोती आप इसमें से निकाल सकते हो निकाल लो, उसका कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट्स, अथा पैसा है, अथा पैसा, बस कमाने वाला होना चाहिए, कितना भी कमा सकता है मेरी नजर में तो ये। लेकिन याद रखना आप लोग, इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर 100 रुपए कमाते हो तो 70-80 रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी है। अब कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, तो वो चीजें तो हैं। लेकिन ये है कि ये तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि 80 खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं जिसमें खर्चा इतना नहीं है, बस उसमें उनका टैलेंट उतना काम में आ जाता है। वो अगर वो अपने टैलेंट को लेके आए सामने, ऑडियंस के सामने पेश करें, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डांसर है तो उसका खर्चा इतना नहीं होगा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कॉमेडियन है, उसका खर्चा भी इतना नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई एक अच्छा टीचर है जो कि अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है, उसका भी इतना खर्चा नहीं है। कोई मान लीजिए कि कोई कला है जो कि अपनी शोकेस कर सकता है ऑडियंस के सामने, उसका भी खर्चा नहीं। कोई कॉमेडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वो डिपेंड करता है आपके फील्ड पे कि आप करना क्या चाहते हो। हमारे फील्ड में खर्चा इसलिए होता है क्योंकि चीजें टूटती है फूटती है, इस वजह से हमारा फील्ड ऐसा है। क्या तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जोनर में, किस फील्ड में यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हो। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनका घूमने का खर्चा है सिर्फ। मेहनत अलग है, मेहनत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खर्चा नहीं है। मतलब सूखी इनकम अच्छी खासी बनाई जा सकती है अगर अपने पैशन को फॉलो करें और अच्छे से काम करें तो। वो बात